तो सरस्वती प्रेस और हंस के और कहानी के इर्द गिर्द वहाँ शिवदान सिंह चौहान के अलावा चौहान साहब जानते थे गालिबन शमशेर बहादुर सिंह को। ये लोग उसके पहले बम्बई में काम करते थे, पार्टी हेडक्वार्टर में थे और वहाँ से उर्दू हिंदी की दो मैगजीन निकलती थी, शायद नया साहित्य नाम था उसका। तो वहाँ से शमशेर बहादुर सिंह आए थे और एक नरेंद्र शर्मा जो बाद में बम्बई आ गए और फिल्मों के लिए लिखने लग गए थे, नरेंद्र शर्मा, पंडित नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा थे। और एक हर जगह जैसा पार्टी का कम्यून होता है तो इकट्ठे सभी लोग गुदौलिया चौहाने में, और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय सेक्रेटरी बनारस की शाखा के कॉमरेड रुस्तम सैटिन थे, तो रुस्तम सैटिन और वहाँ एक अग्रवाल परिवार की चार पांच पढ़ी लिखी बहनें थीं, उन लोगों ने एक नया स्कूल खोला था और बहुत ही रोशन ख्याल वो फैमिली थी। उन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस की थी उस ज़माने में। तो एक बहन की शादी जो सबसे बड़ी थी उनकी शादी प्रकाश चंद्र गुप्त से हुई थी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। दूसरी बहन की शादी हुई थी रुस्तम सैटिन से ही। और इश्क चल रहा था नरेंद्र शर्मा से एक बहन का, शादी नहीं हो सकी थी। तो ये माहौल था। और हम लोग नए नए, मैं आठवीं में पढ़ता था, हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले सागर सिंह जो बाद में वकील हुए, तो लाज में बाहर रहते थे और वहाँ कभी कभी साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी। वहीं एक गोष्ठी शाम को शिवदान सिंह चौहान अपनी शेरवानी में, और आगरे वाले थे तो आगरे के कल्चर का असर था, चौहान साहब तशरीफ लाए थे, उनके साथ नरेंद्र शर्मा भी आए थे और शमशेर बहादुर सिंह भी आए थे। उस समय भी उनकी आँख पर मोटा चश्मा लगा था डबल, जिससे मालूम हुआ कि आँखें इनकी खासी कमज़ोर हैं उस दौर में भी। ये लोग आए थे, नरेंद्र शर्मा नहीं थे। ये जुलाई के अखीर या अगस्त का रहा होगा कि शुरुआत रही होगी, वो देवली कैंप जेल में थे, उनको कैद कर लिया गया था। तो नरेंद्र उसमें कविता पाठ का कार्यक्रम था, मैं भी कुछ लिख लेता था, तो हम लोगों से भी कहा गया कि आप सुनाई उनाई। लेकिन ख़ास बात जो थी मैं कहना चाहता था, शमशेर बहादुर सिंह को पहली बार देखा, उन्होंने सबसे पहले ये खबर दी कि हमारे दोस्त नरेंद्र शर्मा जेल में हैं, देवली कैंप जेल में, जो अजमेर शरीफ के पास था। और वहाँ से एक विधि है, एक हमारी भी दुनिया जो गिरी कटीले तारों से, जो घिरी हुई दीवारों से, उनकी कविता उन्होंने सुनाई और फिर अपनी एक कविता उन्होंने सुनाई। लोगों ने कहा कि भाई अपनी भी आप सुनाइए। और एक कविता लौट आवो धार या कुछ ऐसी एक कविता थी, और एक और कविता उन्होंने सुनाई जो उन्हीं दिनों की लिखी हुई थी, और कुछ कविताएं में वो कविता वो शामिल है। पहली बार थरथराती कांपती सी आवाज़ में शमशेर, आम तौर से कविता पढ़ते समय वो एक बेंत की तरह से, जैसे बेंत उन्होंने एक कविता में आता भी है, थरथराते जैसे बेंत, कांपती हुई आवाज़ में, और जैसे कविता पढ़ नहीं रहे हों बल्कि खुद वो सरापा वो नज़्म खुद हूँ। ये पहली तस्वीर उनकी बनी, कोई परिचय वगैरह नहीं हुआ, सुना मैंने शमशेर को देखा। और उसके बाद वो कब, कुछ दिनों बाद चौहान भी चले गए, नरेंद्र शर्मा तो जेल में थे ही,
हमारे सूत थे त्रिलोचन शास्त्री जो उन लोगों से जुड़े हुए थे। बरसों बाद वो इलाहाबाद चले गए, यहाँ से बनारस से गए और इलाहाबाद उन्होंने जाकर काम शुरू किया। नतीजा हुआ कि अमृत राय भी श्रीपत राय भी ये दोनों लोग बनारस छोड़ के श्रीपत भी इलाहाबाद चले गए, अमृत भी चले गए और हंस का संपादन वहीं से रुक करने लगे। सरस्वती प्रेस देखने का काम जगत शंखधर थे जो बरेली के आसपास के रहने वाले थे वो देखते थे। उनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि शमशेर का पहला कविता संग्रह कुछ कविताएं अपनी ओर से जगत शंखधर ने छापी हैं, छोटी सी। कुछ और कविताएं राजकमल से बहुत बाद में छपी, लेकिन उनका पहला कविता संग्रह उनकी शुरुआती कविताएं हंस में छपी थी। और एक प्राइवेट पब्लिशर उनके दोस्त ने शमशेर की कुछ कविताएं, खुद शमशेर ने नहीं चुनी थी, वो कविताएं जगत शंखधर ने खुद चुनी थी। वो किताब पहली ये छपी होगी 51-52 के आसपास, अर्ली 50s में। शमशेर से दूसरी मुलाकात मेरी इलाहाबाद में हुई, करीब 9-10 साल बाद। और उन दिनों वो माया प्रेस एक इलाहाबाद में है, माया नाम की एक पत्रिका छापते थे, बंगाली बाबू थे वो और हिंदी में मैगजीन निकालते थे, और माया एक ज़माने में बड़ी पॉपुलर मैगजीन थी। शमशेर साहब उसमें काम करते थे। तो एक दिन का वाकया है, आप वो जा रहे थे उनकी अपनी साइकिल से, वो रहते थे यूनिवर्सिटी के पास और यहाँ से माया प्रेस चौक की तरफ जाते थे वो। शाम को हम लोग मिले उनके यहाँ, तो उन्होंने साइकिल से जा रहे थे, कोई एक निगम साहब थे कॉम्रेड, उन्होंने कहा कि हमको एक काम है, मैं कहीं से अभी लौटता हूँ। वो खड़े हैं और साइकिल लेकर के चले गए वो, और देर तक वो बेचारे, उनको दफ्तर जाने की देर हो रही थी। तो बैठे बैठे ये नज़्म उन्होंने एक कही, लेके साइकिल हमारी निगम गुम हुए, लेके साइकिल हमारी निगम गुम हुए, बीच धारा अगम थी गुड़म गुम हुए, और न कम गुम हुए। उसी पर और बोले कि जब साइकिल ले करके आए तब मैं पैडल मारता हुआ उसी की रिदम में ये शेर निकलते चले जा रहे थे, लेके साइकिल हमारी निगम गुम हुए, बीच धारा अगम थी गुड़म गुम हुए। वैसे कॉमरेड उन दिनों अंडरग्राउंड हो रहे थे, न कम गुम हुए वगैरह वगैरह। तो एक सड़क साहित्य नाम की चीज़ इलाहाबाद में चलने लगी थी कि सड़क पर चलते हुए, बाद में परिमल वालों ने इस सड़क साहित्य बहुत छापा है, लेकिन इस सड़क साहित्य की शुरुआत भी शमशेर ने की थी। शमशेर साहब उसके बाद माया में काम करते हुए 2D मिंटो रोड, जहाँ अमेरिका, जहाँ अखबारों में काम करने वाले अमृत वहीं रहते थे, और दास बाबू वहाँ रहते थे उनके बगल में। चूँकि उनका रिश्ता हमारे गांव में हुआ था, हमारे एक गार्जियन से थे, उनकी बेटी से हुआ था, तो मैं, वो मेरी बहन थी, तो मैं उसी के यहाँ जा कर ठहरता था। नरेश मेहता भी पार्टी के बहुत करीब थे, उनको नौकरी और उनका परिचय मुक्तिबोध से नागपुर में हुआ था। वहाँ से छुट के नरेश मेहता कॉम्रेड हो गए थे, बाद में तो बिल्कुल हिंदुत्व की ओर चले गए बरसों बाद। वो और शमशेर जी दोनों साथ रहते थे एक मकान लेकर के नाले के ठीक पार। मैं उस समय हमारी एमए कर चुका था, उसके लिए एक डिसर्टेशन लिखा था, वो छप रही थी किताब हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इलाहाबाद में छप रही थी। तो उसका प्रूफ देखने के लिए आता था, तो ठहरने की जगह मैं और किसी को नहीं जानता था, शमशेर से ही था, शमशेर के साथ ठहरता था वहाँ। बाद में शमशेर इलाहाबाद में, बीच की कई चीज़ें छोड़ रहा हूँ, आप लोग भी वो जाएंगे, नरेश मेहता उसके बाद वहाँ से चले गए लखनऊ, मकान छोड़ दिया,
किराया बहुत ज़्यादा था, तो शमशेर जी बहादुरगंज चले गए। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास है, छोटा सा मकान, ऊपर के छत पर रहते थे और एक टेलर की दुकान नीचे थी। ठीक, वो टेलर का बहुत महत्व, उनकी ज़िंदगी में देखभाल भी वही करता था, ज़रूरत की थी वो टेलर ले आता था। तो ऊपर इनका मकान था, छोटा सा एक कमरा था, वहीं रहते थे। और बहादुरगंज का बहुत जिक्र लोगों ने किया है, वहीं मलेज वगैरह, मलेज की बहनें वहाँ आया करती थी। और लंबे समय तक बहादुरगंज वाले मकान में शमशेर बहादुर सिंह रहते थे। और काम वो माया वाले प्रेस में करते थे, वही छोटी सी नौकरी थी, प्रूफ वगैरह देखते थे, एडिटिंग का काम कम था। उसमें भैरव प्रसाद गुप्त भी आ गए थे, तो भैरव प्रसाद गुप्त तो चीफ एडिटर थे और शमशेर उनके सहायक थे। गो शमशेर जी, क्योंकि भैरव जी प्रोसेस का काम देखते थे, पार्टी मेंबर थे ही, तो लगभग वो पार्टी का कम्यून था बहादुरगंज। और हम भी कोई कभी होता था तो चले जाते थे, बहुत सी कविताएं वहाँ लिखी उन्होंने, कागज़ संभाल के रखते नहीं थे, बहुत सी यादें हैं उसके बारे में। मलेच की जो बहन प्रेमा है, जो बाद में दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना चली गई थी, इसकी अभी डेथ हुई है। प्रेमा बहुत करीब थी, मलेच की फैमिली की बहुत करीब थी। तमाम नौजवान कवि कथाकार शमशेर के यहाँ आया करते थे, मैं तो बनारस से कभी कभी जाता था कहने। बहादुरगंज वाले मकान में दूधनाथ सिंह भी वहाँ आते थे। एक उससे आपको बहादुरगंज में रहने वाले शमशेर बहादुर सिंह की ज़िंदगी की कई दास्तानें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जिसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है। बहादुरगंज के दौर के बाद मलेज अपनी बहनों के साथ, प्रभाकर माचवे ने उनको काम दिला दिया था, वो दिल्ली चले गए, क्योंकि इलाहाबाद में कोई जॉब था नहीं, छोटा सा शहर, यूनिवर्सिटी में जॉब मिल नहीं सकता था, रेडियो में कुछ नौकरी वगैरह कम ही मिलती थी, वो भी सरकारी मामला था। तो मलेज जब अपनी बहनों के साथ दिल्ली चले गए, और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास और मॉडल टाउन नाम का एक नया कस्बा, जो शरणार्थियों की वजह से पंजाब से बंटवारे के बाद भाग करके लोग आए, तो पंजाब से भागे हुए शरणार्थियों का बनाया हुआ एक नया टाउन मॉडल टाउन कहलाता था, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भी नए टीचर भी वहीं रहते थे किराए का मकान लेकर के। वहीं बस स्टॉप के हिसाब से सेकंड स्टॉप के बाद थर्ड स्टॉप जो आखिरी था वहाँ शमशेर जी का, बगल में अजीत कुमार, जल्दी लिखने के लिए उर्दू का सहारा लिया कर। तब मैंने देखा उनके कुछ ड्राफ्ट देखे तो मालूम हुआ कि तो पहले उर्दू में लिखा है उन्होंने, इसके बाद देवनागरी में लिख रहे हैं। और फिर वो बहुत क्रिएटिव पीरियड था, कविताओं की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से। इसके पहले इलाहाबाद में रहते हुए, जो मैं कहना भूल गया, उनके बहुत पसंदीदा राइटर थे सरसार, और सरसार की हुस्सु पी कहाँ कामिनी नाम से कई किताबों का, क्योंकि जो मशहूर किताब है जिसके लिए सरसार जाने जाते हैं, उसका तर्जुमा हो चुका था हिंदी में, जिनका नहीं हुआ था। और उनका कहना था कि ज़बान के मामले में सरसार जो हैं वो मास्टर हैं, पंडित रतन नाथ दर सरसार थे वो, और वो पहले नावल निगार, अगर पहले नहीं कोई और भी हो चुका हो लेकिन मशहूर तो पंडित रतन नाथ सरसार ही है। और पहला नावल जो मशहूर, जो डॉन किहोट की तरह का लिखा हुआ है और लीजेंड बन चुका है हीरो, आप ललित साहब बेहतर जानते हैं मुझसे, वो तर्जुमा पढ़ने लायक है सरसार का, जो अनुवाद किया है प्रोज का।
उसके पहले शमशेर की दोआब नाम की किताब छप चुकी थी और उसका पहला लेख जो मैंने कहा था कि हाल ही के मुसद्दस का और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती का दोनों का कंपेरेटिव स्टडी उन्होंने, वो पहली स्टडी है और मेरा ख्याल आखिरी है, उसके बाद भी किसी ने उस पर किताब लिखी नहीं। और वो दोआब छप चुकी थी पहले। सरसार वाला भी इलाहाबाद रहते ही ये काम कर चुके थे। उनका बहुत बड़ा क्रिएटिव पीरियड इलाहाबाद का ही है। दिल्ली आके कुछ कविताएं लिखी उन्होंने, नज़में लिखी, दो ही जगहों पर रहा। दिल्ली में कि भीड़ भाड़ में शमशेर जैसे खोए हुए से थे, ये दूसरा दौर है दिल्ली का। वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमा ने प्रेमा को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे शमशेर। उसने शादी कर ली, उसका हस्बैंड जो था वो दक्षिणी अमेरिका का रहने वाला था, नॉर्थ का हिस्सा जिसकी राजधानी लीमा है क्या है, वहाँ का था। धोखा दिया उसने, तो वो भी मॉडल टाउन में एक दूसरा मकान बड़ा सा लेकर के रहने लगे थे और वहाँ एम्बेसी में काम करता था वो आदमी, नाम भूल रहा हूँ। तो शमशेर उसके साथ चले गए। मैं कहना चाहता हूँ कि शमशेर उखड़े हुए लोग थे और वो उखड़ी हुई जड़ों वाला आदमी भटकता रहा यहाँ से वहाँ तक, ठौर ठिकाना एक जगह आराम से रहने का मिला नहीं। तो जो नावल है उखड़े हुए लोग हिंदी में, वो उखड़े हुए लोगों में से मरेज वाला मकान छोड़ के उसके यहाँ रहा, साल भर बाद वो प्रेमा को लेकर के चला गया। अब कहाँ जाएं? तो मलेच की एक दूसरी छोटी बहन थी, उसने एक दूसरे आदमी से, वो है अजय सिंह अभी, तो सबसे छोटी थी उससे शादी की और वो चले गए दिल्ली में लाजपत नगर रहने के लिए, जहाँ पंजाब से आए हुए लोग शरणार्थी बहुत से बसे हैं। तो लाजपत नगर बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि रविंद्र कालिया भी ने किराए का मकान लाजपत नगर में ही लिया है, आजकल जो ज्ञान उदय के संपादक हैं, ज्ञानपीठ में हैं। कुछ दिनों तक वहाँ रहे। यानी शमशेर की सारी जिंदगी शरणार्थी की सी बीती है। उनके बारे में सोचते समय कि वो जिंदगी भर वो आदमी शरणार्थी रहा। बच्चन जी से ने जो लिखा है, बाकी पढ़ा है कि वही शमशेर मुजफ्फर नगरी है शायद, तो शमशेर मुजफ्फर नगर से उखड़ के फिर लौट के गए नहीं वहाँ, देहरादून गए, देहरादून के बाद इलाहाबाद पढ़ने के सिलसिले में, इलाहाबाद से बनारस, बनारस से दिल्ली, दिल्ली से मैं एक जगह से मॉडल टाउन से लाजपत नगर, और वहाँ से के बाद फिर अशोक वाजपेयी जब ने भारत भवन बनाया तो शमशेर को एक बार बुलाया। आखिर में इन्होंने उज्जैन में एक नई यूनिवर्सिटी कायम हुई, विक्रम विश्वविद्यालय, और उन्होंने 5 पीठ कायम किए साहित्यकारों के लिए, एक सागर यूनिवर्सिटी में, एक भोपाल में, एक उज्जैन में, एक आध कोई और होगा, और कुछ साहित्यकारों को 3 साल के लिए कम से कम, एक्सटेंड होने पर 5 साल के लिए अपॉइंट किया, बुलाया। उसमें शमशेर को उन्होंने के लिए उज्जैन चुना, वो खाली थी, और शायद इसलिए भी कि वहाँ के वाइस चांसलर शिव मंगल सिंह सुमन थे और सुमन उनको बनारस के दिनों से जानते थे, तो मुनासिब समझा कि शिव मंगल सिंह सुमन वाइस चांसलर हैं, रख रखाव ख्याल रखेंगे, वो उज्जैन आए। उज्जैन मेरा ख्याल है कि 3-4 साल तो रहे ही होंगे। उनके यहाँ गया मैं और उज्जैन में लिखी हुई उनकी किताब जो छपी हुई देखेंगे तो कुछ हिंदी की कविता तो कोई नहीं देखी, लेकिन उर्दू की गज़लें कई वहीं की लिखी हुई हैं और नीचे शायद उज्जैन लिखा हुआ है। ये लेट 70s की घटना है, 70 के दशक के आसपास की ये होगी, अर्ली 80s भी हो सकता है।
इस समय तारीख और एक नहीं है कि मैं देख के बता सकूं। वहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। शमशेर की ज़िंदगी में एक और लड़की आती है। ये वो लड़की है जो गुजरात की है, गुजरात यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है, भोला भाई पटेल की शिष्या थी, जिससे मेरी मुलाकात बहुत पहले 70s अर्ली 70s में वहाँ गया था जब जोधपुर रहता था। तो मुझसे भोला भाई ने कहा कि ये शमशेर पर काम रिसर्च कर रही है, मैंने इसे टॉपिक दिया है और आप इसको कुछ बताइए, और शमशेर से मिलना चाहती है। और मॉडल टाउन रहते हुए जब थे शमशेर, तब उनसे मिल आई थी। अचानक एक दिन मैं उज्जैन गया था तो मालूम हुआ, मैं जा रहा था शमशेर के यहाँ, तो किसी ने कहा कि एक आई है लड़की, शमशेर जी का ठिकाना पूछ रही है और वो अहमदाबाद से आई है, तो आज आप जा रहे हैं? तो थ्री व्हीलर से मैं जा रहा था, उनका इसको बैठाए ले जाइए, वहाँ शमशेर जी के यहाँ पहुँचा दीजिए। उसको मैंने पहुँचाया। शमशेर जी की ज़िंदगी में यहाँ से एक नया अध्याय चैप्टर शुरू होता है। गुजरात तो मैं किसी काम से गया था, उस बार तो शायद जल्दी थी, किसी काम से गया तो मैंने पूछा, भाई शमशेर कहाँ है? तो शमशेर जी भी आ गए हैं यहीं श्रीनगर में। एक ही बार देखा शमशेर जी को, ठीक ठाक थे, बहुत फिट थे, प्रसन्न थे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लिखने पढ़ने का क्या हाल है आपका? अरे बोले मियाँ क्या बात करते हो लिखने पढ़ने का, एक आध कुछ कुछ नज़में हुई हैं, कुछ शेर कहे हैं, लेकिन वो सुनाने लायक नहीं है तुमको, हिंदी की कोई कविता नहीं लिखी है। हमने कहा कुछ दीजिए छापने के लिए मुझको। बोले नहीं नहीं हिंदी कविता, आप कविता कविता क्या, जिंदगी जी रहा हूँ बस। मैं लौट आया। ये दौर गुजरात का लंबा, जो उज्जैन से कालिदास का जो मेघदूत का मेघ है, जो उज्जैनी से भटका तो फिर वो गुजरात गया। और आखिरी मुलाकात मेरी, बीच में कोई खबर यानी ये मिली कि वो रंजना के साथ हैं। रंजना की पोस्टिंग ट्रांसफ़र जॉब था, उसको बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में ही भोला भाई ने उनको बुला लिया, और वो यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज था भाई। मैं किसी काम से गया हुआ था, आनंद में यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हिंदी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा, उर्दू डिपार्टमेंट भी है उसमें, तो मैं जाता था वहाँ, उसमें मेंबर भी था, सर्विंग बुक भी था। एक बार गया तो लोग मुझसे बताया वहाँ चौहान साहब ने, महावीर सिंह चौहान उसके हेड थे, उन्होंने कहा भी शमशेर की तबीयत बहुत ख़राब है और रंजना के साथ उनकी फैमिली में है, और आप जानते होंगे रंजना तो शादी कर ली है, तो अपने हस्बैंड के साथ है वहाँ और देखभाल कर रही है, और सुना है कि बीमार हैं वो। तो मुझे बड़ा धक्का लगा, तो उन्होंने कहा कि वो सीरियसली बीमार हैं वो, और लगभग पैरालाइज हैं वो। तो मुझे प्लेन पकड़ने के लिए आना ही था अहमदाबाद। ये घटना 80s की 82 या इसके आसपास की होगी, जब उनकी डेथ हुई है। तो गया सीधे, तो मालूम हुआ वो पीछे के कमरे में, वो ऊपर हैं। हमने कहा चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती होगी, तुमने ऊपर भेज दिया उनको, नीचे रखो। डांटा बहुत उसको। हमने कहा आपकी, मैं चलता हूँ ऊपर जाता हूँ। बोले नहीं नहीं हम ले आते हैं उठा के, आप नीचे रखिए। आए शमशेर जी, एज यूजुअल मैंने दर्द के साथ हो, हल्की सी मुस्कराहट फीकी सी। तो चूंकि मुझे वो सैयद कहा करते थे, तो जब लगे कि होश में हैं और पहचान भी रहे हैं और थोड़ा सा, तो बोले सैयद यहाँ भी पहुँच गए? हमने कहा सैयद को तो आना ही है। और सैयद यूँ कहा करते थे कि, मैंने पहले दिन भी बताया था कि हमारी बातें बातें सैयद काम करता है, अकबर इलाहाबादी का था। तो बोले कि देखो ऐसा है, हमारा तुम्हारा फ़ोटो कहीं एक साथ नहीं हुआ,
पहली बार उन्होंने कहा, तो इंतज़ाम करो। मैंने कहा मैं भी करता हूँ, ऐसी बात अब कर रहे हैं। फ़ोटो तो हमको खींचने आता नहीं है, वहाँ भी किसी को आता था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर मैं एक फोटोग्राफर को लेकर के आया, हमने कहा कि भाई एक फ़ोटो तो कम से कम हो ही जाए। बीच में शमशेर थे, पहले हमारा सब, उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ अकेले होगा फिर सबके साथ होगा। फ़ोटो वोटो खींचा ऊँचा गया, चाय पिलाई उलाई उन्होंने और चलने लगा। मैंने कहा कि अब अच्छे हो जाइए। बोले मियाँ अच्छे अच्छे का क्या होता है। उन्होंने कहा फिर मैं आऊँगा। बोले हाँ फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और शाम हो रही थी, मुझे फ्लाइट लेनी थी, मैं तो चला गया। तीसरे दिन खबर मिली अखबार में कि उनका इंतकाल हो गया। उस समय जो थोड़ी बातें हुई थी, मैंने कहा कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी होंगी और पब्लिशर राजकमल वालों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, वो चाहते हैं, क्योंकि अरसा हुआ आपके कोई किताब नहीं आई है। जब से आप गुजरात आए हैं आपका लिखा हुआ कुछ भी नहीं छपा है। सिर्फ मध्य प्रदेश में रहते हुए अशोक वाजपेयी ने एक फिल्म बनवाई थी, उसमें मैं भी हूँ, कुछ बोला बोला उनका। उसके बाद हिंदी को नहीं मालूम होने, हिंदी को उर्दू को किसी को, कि शमशेर जी ने इसमें लिखा क्या है, क्या काम किया है। बोले मियाँ है कागज़ पत्र, कहाँ ढूंढने जाएं, लेकिन कुछ है, लेकिन छोड़ो इन बातों को, और टाल दिया उन्होंने। ये जिसमें बाकी क्या कब कौन सी बातें हुई कैसी हुई उन तमाम चीज़ों का कोई, लेकिन ये एक खाका है उनका जो मेरी जानकारी में है 1948 से लेकर के उनके इंतकाल के दिन का। उस पूरी चीज़ में कुछ लोगों ने, अभी बहुवचन में एक लेख प्रेमा का छपा था, वो छप गया है, उससे जितना मालूम होता है। और अब ये मालूम हुआ कि उनकी कलेक्टेड वर्क्स उनके पब्लिश होने वाले हैं, कंपोजिंग चल रही है, कॉपीराइट वो लिखवा लिया था रंजना ने, और कुछ एक लेख भी उसने शायद शमशेर पर लिखा है, मैंने देखा नहीं, जैसी जानकारी है। तो अब वो आए तो उससे बाकी चीज़ों का पता चलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया और कोई और हल्की फुल्की वैसी बातें हों, लेकिन दिल बहुत भारी है कि कैसे हमने ऐसी बड़ी प्रतिभा और टैलेंट, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, दिल्ली रहते हुए अक्सर मुलाकात होती थी और एक और पहलू है उनका जो शायद मिले, जो उर्दू के साथ उनका रिश्ता है, क्योंकि त्रिलोचन जी वहाँ काम तो करते थे, लेकिन शोबे उर्दू मैंने पता लगाने की कोशिश की, कुछ लोग उस दौर में जो थे वो आज भी हैं, इसलिए वो पहलू उनका। क्योंकि ज़िंदगी भर, जैसा मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी जिसका दोआब वो कहते थे, शुरू से लेकर के आखिर तक उनका रिश्ता रहा है और बराबर उनकी दिलचस्पी रही है, और अपने को यही मानते थे कि मैं उर्दू हिंदी दोनों का दोआब हूँ। वो पहलू उर्दू वाला लिखने वाले लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं अभी। मैं जाके उनमें से किसी से कहूँगा कि आप लोग कम से कम वो तो लिख डालिए, हिंदी वाला तो कुछ कुछ लिखा है, मलेच की फैमिली लिखा है। चर्चा और लोग करेंगे, संस्मरण के साथ नहीं। छोटी सी बात अखीर में बेहतर, क्योंकि दिल भरा हुआ है। मैं 5 मिनट और लूँगा। कल जो कविता भूल गई थी मुझे शमशेर की, वो छोटी सी है, जो पोएट शमशेर का शख्सियत जैसी भी हो, बहुत पहले की कविता। मैंने कहा था कि शमशेर पेंटर थे, वो बेसिकली कविता में भी चित्रकार थे वो, और चित्र कैसा बनाते थे, क्या करते थे, ये कविता शब्दों में पेंटिंग है। छोटी सी व्याख्या नहीं करूँगा,
उसके जरिए मैं जो रंगों से वो कैसे खेलते हैं, उषा सुबह के बारे में है। और सुबह का मुझे यह याद आया कि यही हैदराबाद में जब जोश साहब तशरीफ़ रखते थे तो एक शेर उन्होंने कहा था कि अगर रसूल न आते तो सुबह काफ़ी थी। ऊपर वाला मिसरा है, हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक के लिए अगर रसूल न आते तो सुबह काफ़ी थी। ये वो सुबह है जिस पर उषा, जिसको संस्कृत में हिंदी में कहते हैं, वैदिक ऋचाएँ भरी हुई हैं सुबह पर। उस उषा पर शमशेर ने जो कविता लिखी है और पहले की लिखी हुई है, प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे, गीला शंख पानी उन्हें डाला गया होगा उस शंख में, सफ़ेद जो होता है समुंदर से निकलता है। प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे, भोर का नभ, सूरज होने के बाद का नहीं उसके पहले का, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, आसमान है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल पत्थर की, सिल बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। रंगों का खेल देखिए, नीला नभ काली सिल राख से पोती हुई, लाल केसर से, सुबह होने वाली है सूरज उगने वाला है, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नील जल में, जमुना का पानी मान लीजिए हो, नीले जल में या किसी की कोई नहा रही हो, किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के ठीक पहले का इन रंगों के साथ जो चित्र खींचा है उन्होंने, हिंदी में तो मैंने नहीं देखी है ऐसी कोई कविता। सूर्योदय से ठीक पहले की पृष्ठभूमि जिन रंगों में, गीली नीली गीली पत्थर सिल और लाल सी एक रेखा जो बनी हुई है, जरा से लाल केसर से, शमशेर की धुंधली गीली नीली रंगों वाली कविताओं में से वो लाल रेखा अगर निकाल दी जाए तो शमशेर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि उसको हम लाल झंडे से ही गए। या आरएसएस वालों के गेरुए झंडे से जोड़े हैं, वो लाल है गेरुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नीला जो जमुना है जैसे, और जमुना आगरे की दिल्ली की उर्दू तहजीब और कल्चर का सबूत है नीला रंग। वो मानते हैं झंडा हरा, लेकिन जमुना हरा कह लीजिए या नीला कह लीजिए, नीले और हरे में बहुत कुर्बत है, एक भले न हो। ये दो रंग जो मिलते हैं
एक जो लाल लीक सी है और एक नीली या हरी कह लीजिए, इन दोनों को मिला करके बना हुआ शमशेर की कविता का रंग है, मिजाज का रंग है, और शायद इन्हीं के आपसी रिश्ते के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। शुक्रिया।